गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चाहे हिरण्यकश्यपु हो या हिरण्याक्ष हो, रावण हो या कंस हो या शिशुपाल हो, ये जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भगवान की उपासना आराधना की होती है। उसके सिवा उनको इतनी शक्ति नहीं आ सकती। तो यह जो जय विजय है, नित्य मुक्त जीव, उन्होंने भगवान के नियम के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर अवतार लिया करने के लिए। हिरण्यकश्यपु के घर में प्रह्लाद जी जैसे भक्त निर्माण हुए, और ये प्रह्लाद जी को उन्हें साधु संत बताते कि ये जो चार मुनि थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, इन चारों का मानो निचोड़ होकर के प्रह्लाद जी पैदा हुए। तो इस प्रकार से प्रह्लाद जी, उसके पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, और इस बलि की जो दानशूरता है उसको लेकर के भगवान ने वामन अवतार लिया और उसका कुछ छीन लिया। भगवान कहते हैं, जब मैं किसी पर प्रसन्न हो जाता हूं तो उससे सब कुछ ले लेता हूं। भागवत कथा आएगी, एक प्रश्न पूछते हैं कि ये क्या बात है, जो भगवान शिवजी के भक्त है वो बड़े अमीर और ताकतवर होते हैं, रावण इत्यादि, और जो भगवान विष्णु के भक्त है वो बड़े दरिद्री गरीबी रहते, इसका क्या कारण है, जैसे सुदामा इत्यादि। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु को तो बहुत काम है ना, पब्लिक को चला रहा है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इसीलिए वो सबकी धन दौलत ले लेते, और भोले बाबा को वो कोई काम ही नहीं, इसीलिए उनको ना किसी चीज की जरूरत है, तो जितना लेते जाओ। इस प्रकार से भक्तों के भिन्न भिन्न भाव है। देखो, हम लोग जब भगवान के ग्रंथ सुनते हैं ना, उस समय अपने बुद्धि को ताला लगा करके ताली जो है समुन्द्र में फेंक दो। जो भक्ति का साम्राज्य है वो भाव का साम्राज्य है, और जिसने ये भाव जागृत किया वही अपने बुद्धि के बंधन से छूट जाता है। एक मलयाली अम्मा है हमारी बंबई में, बंबई में भी मलयाली है, मलयाली कहां नहीं है, तो दुनिया में कहीं चले जाओ आपको मलयाली जरूर मिलेगा। वो अम्मा इतनी ग्रेट है, तो उनके जो पति है, दोनों अभी काफी बूढ़े हो गए, 78 और 80 नॉट आउट, बैटिंग दोनों की चल रही है, और हमेशा की तरह वो हमेशा डांट डपट करके रखने वाले, और वो जो अम्मा है एकदम भगवान की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति। तो हमको कहती है कि हम तो ये जो कहते हैं मान लेते हैं, क्यों दिमाग फोड़ना अपना उनके सामने। जब वो कहते दिन को 12 बजे कि चंद्रमा कितना सुंदर है, तो मैं कहती हूं बड़ा ठंडक वाला है, बड़ा अच्छा है। जब मालूम है कि ये इस प्रकार के है तो क्यों अपना दिमाग खराब करे। तो बोले उसके बाद मैंने क्या शुरू किया, उसके बाद मैंने देखा कि इसी आदमी के साथ मुझे पूरी जिंदगी काटनी है, तो क्या करे। उनको मैंने भगवान को पकड़ लिया। तो अपने घर में पेड़ पौधे लगाती हूं, बोले मैं उनसे भगवान की बात करती हूं, तुलसी के पेड़ से बात करती हूं, और जो जो फल पुष्प के पेड़ है उनसे बात करती हूं, भगवान उनसे बात करती हूं, और धीरे 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 उनका चित्त इतना एकाग्र हो गया कि अब जगत के कोई भी कष्ट उनको तकलीफ नहीं देते, हमेशा प्रसन्न रहती है और मस्त रहती है। अब देखो, उन्होंने घटाकाश मठाकाश फटाकाश, ये जो वेदांत का चक्कर है उसके चक्कर में नहीं पड़ी वो। इसीलिए सबसे बढ़िया यह जो भक्ति का मार्ग है, इसमें किसी प्रकार के नियम नहीं है,
हमारे नारद भक्ति सूत्र कहते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम का जो स्वरूप है अनिर्वचनीय है, उसमें किसी को लेकर के किस करो तो भी प्रेम है, किसी को चाटा लगाओ तो भी प्रेम है, उसके पूरे नाम से पुकारो हे पशुपति नाथ महाराज आइए, या उसको करे अरे पशु आजा, एब्रीविएशन होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रेम का मार्ग अनिर्वचनीय है। तो ऐसे इस प्रेम के मार्ग में आने के बाद ज्यादा बुद्धि के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो भक्ति खत्म हो जाएगी और हम अपने हृदय से भक्ति को निकाल देंगे। अच्छा, तो हमारे बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी के कहने पर भी कुछ माना नहीं और सब कुछ अर्पण कर दिया। इस अर्पण की जो प्रक्रिया है आज हमने बताया था वैसे आपको, लेकिन सबसे महत्व का जो सिद्धांत है अर्पण करने में, अर्पण करने वाले का समर्पण पूर्ण तब होता है कि जब जिसको अर्पण किया है उसने स्वीकार किया हो तब ना। तो भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया, स्वीकार किया, और इसीलिए बलि का जो समर्पण था वो संपूर्ण था। और जब भगवान हमसे सब कुछ ले लेते हैं तो वही असली समर्पण है। पश्चात किसी भी प्रकार की कसर तो नहीं रही बलि के समर्पण में, ये देखने के लिए भगवान ने गरुड़ से कहा कि भैया इस बलि को बांध लो, और उन्होंने पाशों से बलि को बांध लिया। उनको बांध लिया गया तो उनको देखने के लिए प्रहलाद जी वहां आते हैं और आकर के देखते हैं कि मेरा जो पोता है वो किस प्रकार से है। तो यह जो प्रहलाद जी देखते हैं कि मेरा पोता असली भगवान का भक्त है, इसके मन में कोई विक्षेप नहीं, दुख नहीं, एक बार समर्पण कर दिया फिर काहे का दुख। ध्यान से सुनना, हम लोग कई बार ऐसी बातें सुनते हैं कि स्वामी जी हमारा तो भगवान पर विश्वास है लेकिन इतना दुख क्यों है जीवन में। ये वाक्य कैसा है मालूम है कि दिन को सूर्य है लेकिन अंधेरा क्यों है, इसलिए है कि हम उल्लू है, उल्लू को दिन को दिखता नहीं रात को दिखता। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, जिसके हृदय में भगवान के उपस्थिति का स्मरण हमेशा रहे, उसके हृदय में दुख का निवास कभी नहीं हो सकता। तो ये दोनों बातें जो जीवन को लेकर के दुख और दुखी होना और भगवान को हृदय में रखना, ये दोनों बातें साथ साथ कभी नहीं होती, या तो वहां दुख रहेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि हमारा जो भक्त है, पोता है, एकदम बढ़िया भगवान का भक्त है। उसी समय बलि की जो पत्नी थी विंध्यावली, वो कहती है भगवान आपने ही तो सब हमको दिया है आज तक, और आप ही ले रहे हैं, तो लेना देना तो आपका स्वभाव है, इसमें हमारी कौन सी चीज कब थी। ध्यान से सुनना, आपको मैं ज्ञान की बात सुनाता हूं और कंफ्यूज करता हूं। भगवद गीता का जो चरम श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अपने सभी चीजों का मुझ पर समर्पण कर दो। कहने के लिए तो ऐसा लगता सरल सरल भगवान ने कहा, लेकिन भगवान कृष्ण टेढ़े हैं तीन जगह में, उनके बोलने में बड़ी सूक्ष्म बात होती है। हम किसी को कुछ देंगे कब, जब कोई चीज हमारी हो तब ना। जैसे ये फैन यहां पड़ा है आपके यहां का, और हम कहते किसी को देखो भाई आपको बड़े परेशानी हो रही, इस फैन का हम आपको दान करते हैं, तो पहले हमारा हाथ पकड़ा जाएगा, अपना फैन ले आओ, दूसरे की वस्तु दान नहीं होती। उसी प्रकार से हमारा देह, हमारे प्राण, हमारा मन, ये कब हमारा था कि जिसका हम समर्पण करें, विचार करो। तो जब हम समर्पण करने का अहंकार करते हैं, जगत में कौन सी चीज हमारी थी कि जो हम किसको दे सके, ये समझ जिसको आ गई है उसी ने योग्य प्रकार से इस जगत से अपने जो मोह ममता अटैचमेंट वगैरह है वो सब का त्याग किया है, तब जाकर के समर्पण पूर्ण होता है, अन्यथा हम इसी चक्कर में फंसे रहते। तो विंध्यावली ने कहा कि भगवान
आपने जो चीज दी थी वो भी अच्छा था, वापस ले ली वो भी अच्छा है, सब कुछ आपका ही है। और इस प्रकार से आप देने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से कि जो अपने अहंकार को भगवान को है, उसी ने असली अहंकार या अपना समर्पण किया है। और भगवान, आपने यदि बलि को बांध दिया, उसने तो अपना अहंकार आपके सामने पेश कर दिया था, तीसरा पैर बलि के सर पर था, तो एक बार अहंकार आपको देने के बाद फिर भी आप उसको बंधन में रखेंगे तो यह जो भक्ति ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान आप इस बलि को छोड़ दो। ब्रह्मा जी आकर के वहां वकीली करी, वकालत की ब्रह्मा जी ने। तो उस समय भगवान कहते हैं, देखो ये बहुत महत्व का विचार है आठवें स्कंध का, कि ब्रह्मन यन अनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोऽस्मि अहम्, यन मदहा पुरुषः स्तब्धः लोकम माम चावमन्यते। जिसको मैं अपना कर लेता हूं उससे मैं सब कुछ छीन लेता हूं, सब कुछ अपहरण कर लेता हूं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब मनुष्य के जीवन में ये जागतिक संपत्ति मान इत्यादि बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो उसको मद चढ़ जाता है, और जब आदमी को मद चढ़ जाता है, मद के कारण वो परमात्मा को भूल जाता है। इसीलिए ये समझ लेना, अपने जीवन का प्रत्येक जो दुख है वो भगवान का हमको भेजा गया रिमाइंडर है, और उस रिमाइंडर को हम ठीक से पढ़े तो अपने मन को उसी समय बदलो। और ये दुख की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है हमारे चमड़ी की मोटाई कितनी, इसके ऊपर में। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, हमारे तुलसीदास जी महाराज को उनकी पत्नी ने डांटा। डांटने के बाद वो सब छोड़ छाड़ करके तुलसीदास जी बन गए। आज तक कितने पत्नियों ने कितने पतियों को डांटा है, और क्या बने पति? तुलसीदास थोड़ी बने, देवदास बने। अब तो हम पीते रहेंगे। देखो महाराज, जीवन का जो दुख है वो यदि हमको भगवान के मार्ग पर ले चले तो उसको कहते हैं भगवद गीता का प्रथम अध्याय। भगवद गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योगो नाम, वह विषाद वह दुख जिसके द्वारा हम भगवान से मिलन होने का प्रसंग आ जाता है उसको कहते हैं दुख योग, अन्यथा बन जाता है दुख रोग। हम लोग दुख के रोगी है, योगी थोड़ी है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में सभी दुखों को जगत से उपरत होकर के सत्संग में लग जाता है तो उसी में उसका भला है। और कहते हैं मैंने इसका सब कुछ ले लिया है ब्रह्मा जी, लेकिन मालूम है मैंने अपने आप को इसको सब कुछ दे दिया है, क्योंकि अब उसमें मुझमें कोई भेद नहीं, मेरा जो भी कुछ है वो सभी उसी का है। और फिर बलि को सुतल में भेज दिया, वहां सबसे ज्यादा वैभव है, वहां नित्य सत्संग होगा। और जब बलि महाराज तो उनकी चौकीदारी करने के लिए मैं वहां रहूंगा। इसके पश्चात भगवान ने बलि को अपना सब कुछ दे दिया और उनके दरवाजे पर चौकीदारी करने के लिए खड़े हो गए। एक पुराण में कथा आती है कि रावण हमेशा जाकर के बलि को जीतना चाहता था, क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज्यादा बलवान साबित करना चाहता था। और जब भी रावण बलि के दरवाजे पर गया तो वहां ये छोटे वामन अवतार, छोटे से, जहां भी चले जाए किसी भी दरवाजे पर उनको बहुत परेशान करते थे, अंदर नहीं जाने देते थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, छोटे से इतने परेशान करते हो, मच्छर के जैसे, मच्छर कितना छोटा होता है परेशान कितना करता है, तो कौन हो तुम? तो उस समय वामन भगवान कुछ सिर्फ अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उसको ऐसा ढकेल देते हैं जैसे कैरम में हम खेलते हैं ना, इस प्रकार से। तो रावण वहां से निकल करके श्रीलंका में आकर के LTTE के चक्कर में फंस जाता है। इस प्रकार से फिर उसने जाकर के बलि के राज्य में हमले बोलने की कल्पना नहीं करी। इस प्रकार बलि जो है यही अगले मन्वंतर में इंद्र होने वाले हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो जिनको इतना सब कुछ देना है
तब मिलता है कि जब हम अपने आप को भगवान के सामने लुटा दें। एक बात बता करके आगे जाएंगे, हमने किसी को वो देना चाहिए जिसके पास वो ना हो। समझो कोई बूढ़ा आदमी है और उसको हमने ये वो गन्ना क्या खाएगा, वो मारेगा हमको, क्योंकि गन्ना खाने के लिए दांत चाहिए ना। तो उसको वो चीज देनी चाहिए कि जो उसके पास नहीं है, तो पहले उसको दांत दे दो और फिर गन्ना खाने को दो। तो भगवान क्या नहीं है, सिर्फ एक बात नहीं है, बाकी सब कुछ है भगवान के पास। और हमारे पास वो बात बहुत है और वो है अपना अहंकार। तो भगवान के पास अहंकार की कमी है, तो उनको अहंकार दे दो और अपने आप उससे मुक्त हो जाओ। यही बताने के लिए ये प्रसंग था। अब अगले प्रसंग में जाने के पहले हमने आपको समुद्र मंथन की आध्यात्मिक बात कही थी, दो मिनट में बता देंगे, ध्यान से सुनना। यह जो समुद्र है क्षीर सागर, वो है हमारा अंतकरण चतुष्टय। और इस अंतकरण अनेक प्रकार की अच्छी और बुरी दोनों वृत्तियां निकलती है, और इन दोनों वृत्तियों का हमेशा संग्राम होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। कभी सत्व की प्रधानता से हमको लगता है सब बेकार है, जाकर के बिल्कुल भगवान की भक्ति करेंगे, और हमारी स्पिरिचुअलिटी का इन्फ्लुएंजा शुरू हो जाता है। कितने दिन के लिए? दो दिन के लिए। उसके बाद फिर छोड़ो, अब आपने अब आलस आ रहा, सुबह उठ करके मेडिटेशन करना है क्या? भगवान तो सब काल में उपलब्ध है, सुबह की उठना नारायण। तो इस प्रकार से ये दैवी और आसुरी वृत्तियों उनका हमेशा हमारे हृदय में झगड़ा चलता है। तो एकाध बार तो ऐसा है कि भैया झगड़ा मत करो, इसी ऊपर उठ जाओ। इसी ऊपर उठ जाने के लिए उनके उनमें संधि लानी है। तो संधि लाने के लिए अपने इस हृदय रूपी समुन्दर का अब मंथन करना है, और वो मंथन करने के लिए फिर हम भगवान का आह्वान करते हैं, और जो वासुकी नाम का सर्प है वही हमारा अहंकार है, उसको लेकर के, और बीच में जो पर्वत है वो है हमारे बुद्धि का रॉड, चर्निंग रॉड। तो अपने बुद्धि के द्वारा इस अहंकार की रस्सी बना करके अपने हृदय का जब मंथन करेंगे, तो ध्यान के समय प्रारंभिक अवस्था में जब व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है तो पहले आने लग जाता है कालकूट विष। और इसीलिए कई बार लोग पहली बार जब ध्यान को बैठते हैं तो भयानक भयानक विचार आते हैं, गंदे गंदे, और उसके बाद आदमी डर जाता है और कहता है बाप रे, ऐसे विचार मेरे मन में कभी नहीं आते थे, जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है तब से आते हैं, और इसीलिए गंदे विचारों का कारण मेडिटेशन। देखो हमारा ज्ञान। तो जो विष बाहर आता है उसको पचा देना है, भगवान को अर्पण कर दो, और धीरे धीरे सब निकलते जाएगा। और इसीलिए जितनी हमारी अंतकरण में भरी हुई गंदगी है वो सब निकलती है ध्यान के समय। क्या करते करते जब चरवण हो गया तो उसमें अच्छे भी अनुभव आएंगे, बुरे भी अनुभव आएंगे, अच्छे भी रत्न आएंगे, बुरे भी आएंगे, सब निकल करके जब खाली हो जाएगा तब जाकर के अमृत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह जो आधी दैविक चरवण की बात बताई है वही हमारे आध्यात्मिक चरवण मंथन की बात है। मंथन करना माने मथना, और जब मथते हैं तो अंदर से सब कुछ निकल जाए। तो अपने अंतकरण में जो जन्म जन्म के संस्कार भरे हुए हैं, अच्छे बुरे, उसको दबाने के सामने बैठो और निकलने दो। जितना निकलता है उस समय मेरु पर्वत के जैसे तगड़े बैठे रहो, हिलना मत, निकलने दो जितनी गंदगी निकलती है। ध्यान से सुनना, जब हम अपने गंदे कपड़े लेकर के गंगा जी के किनारे जाते हैं धोने के लिए, उसको गीला किया, साबुन लगाया, और जब धो रहे हैं उसमें से मैल बाहर निकलेगा तो दुख होगा कि अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ना कि चलो मैला निकल रहा है, ऐसा थोड़ी कहेंगे अरे अरे कपड़े, अच्छी बात है जा रहा है। तो उसी प्रकार से ध्यान के लिए जब बैठते हैं हम लोग तो वहां अपने अंतकरण में जितनी गंदगी है वो धीरे धीरे बाहर ना, अच्छा लक्षण है, उसको लेकर के मन में ग्लानी मत आने देना। इस प्रकार से
यह समुद्र मंथन हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने ध्यान की प्रक्रिया है। उसके पश्चात अब जो आखिरी प्रसंग आता है आठवें स्कंद का, उसमें एक बार परीक्षित जी महाराज प्रश्न पूछते हैं कि यह जो वेद है उसके प्रामाण्य के बारे में, वेदों को प्रमाण क्यों मानते हैं और क्या वेद बनाए हुए ईश्वर के या नित्य है या कैसे वेद है, उसको लेकर के वो बता कि यह जो वेद या ज्ञान है। देखो हम लोगों को समझने में गलती क्या होती है मालूम है, वेद माने हम किसी पुस्तक को समझते हैं, ये ऋग्वेद है अच्छा, और उसी को हम वेद समझते हैं। असल में वेद का तात्पर्य है वह ज्ञान, और ये ज्ञान कैसा है, अपौरुषेय है, किसी मनुष्य ने या किसी देवता ने या ईश्वर ने भी बनाया नहीं है। यह नित्य उपलब्ध शुद्ध ज्ञान, प्रकार के विकार नहीं होते, किसी भी प्रकार की कमी नहीं, किसी भी प्रकार उसमें और बढ़ा नहीं सकता, यह शुद्ध अखंड जो ज्ञान है उसको कहते हैं वेद। और ये देखो हमारे सबका स्वरूप है, हमको अपने अस्तित्व का भान कभी भी नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा अस्तित्व अखंड है और हम अपने अस्तित्व को अखंड रूप से पहचानते हैं, जानते हैं, इसी को कहते हैं वेद। अब ये वेद किसका थोड़ी विरोध करेंगे, असल में ज्ञान वही है जो निर्विरोध है, वही ज्ञान है, जो किसका विरोधी है यह तो केवल अज्ञान मात्र है। तो ऐसे वेदों का लोप प्रलय में भी नहीं होता, ये बताने के लिए उन्होंने भगवान के मत्स्य अवतार की कहानी बताई कि जब राजा सत्यव्रत ने एक बार अपने वो जाकर के अर्घ्य दे रहे थे तो उनके हाथ में एक मछली आ गई और उनसे बोलने लग गई कि मुझे बचाओ, और फिर उन्होंने कमंडलू में रखा, फिर तालाब में रखा। उस समय उन्होंने बताया कि देखो तुम किसकी रक्षा नहीं कर सकते हो, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है, हम किसकी रक्षा भी नहीं कर सकते और हम किसका नुकसान भी नहीं कर सकते, जो भी कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है, और हमको ऐसा लगता है हम किसी का भला करते हैं। हम यदि किसी का भला कर सकते थे तो पहला भला हम अपना करते, अपना भला हमने क्या किया है, कुछ नहीं, वही देह के साथ तादाद में है और हम वही देह को अपने हिरण्यकश्यपु के जैसा हमेशा बना के रखना चाहते हैं। जब तक के देह को लेकर के अध्यास बना हुआ है, कुछ हमने सत्संग नहीं किया, सब खंबे के जैसे हैं। तो यहां बताया भगवान ने, मत्स्य भगवान ने, कि देखो ये तुम्हारा जो अभिमान है ना कि हम किसी की रक्षा करते हैं वो गलत है। उसके बाद तुमने जो मेरी सरोवर में कमंडलू में रक्षा करी है तो मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके बाद महाप्रलय का समय आता है और वहां अपने सुवर्ण के श्रृंग में मत्स्य भगवान इस सत्यव्रत की नाव और उसमें सभी प्राणी मात्र के बीज और ज्ञान इसको रख करके इसी मत्स्य पुराण में सत्यव्रत राजा को सभी के सभी ज्ञान का उपदेश किया था, वहां से ये मत्स्य पुराण बना है। और यही प्रसंग बाइबल में भी आता है, और सत्यव्रत राजा ने सभी जीवों का उद्धार करने के लिए जो अनादि ज्ञान है उसको खोलने के लिए भगवान का उपदेश लिया और उसी के द्वारा सभी संसार के दुख की निवृत्ति होती है। इसके पश्चात ये बताया कि यदि हम अपने जीवन में अज्ञान की निवृत्ति चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र उपाय है और वह है हमारा वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान में क्या क्या बातें बताई हैं? पहली बात ये जगत क्या है, दूसरी जीव कौन है, तीसरी बात ये ईश्वर जगत का जीव का पालन करने वाला वो कौन है, जीव ने अच्छे बुरे कर्म किए तो उनकी भिन्न भिन्न गतियां कैसी होती है, ये सभी का सभी जो हमारे जीवन का ज्ञान है वह वेदों में बताया है। और उसी को हम जब स्वीकार करके जीवन को चलाएंगे तो अपने आप इस कार्य कारण के चक्कर से हट करके अपने स्वरूप में बैठ जाएंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे और हम केवल बुद्धि के बल पर जगत का निर्णय करना चाहेंगे तो शून्य में नष्ट लिए
यह वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करके ही अपने जीवन को चलाना चाहिए। इस प्रकार से ये अष्टम स्कंद पूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद नौवां स्कंद प्रारंभ होता है। नौवें स्कंद में जो कथाएं आती है उसमें ये जो मनु महाराज थे उनके वंश का विस्तार का वर्णन बड़ा जबरदस्त आता है और आखिरी में जाकर के भगवान कृष्ण के पूरे चरित्र का वर्णन केवल 5 श्लोकों में किया, बाकी बड़ा विस्तार से बताया। तो 10वें स्कंद में प्रारंभ होने के पहले परीक्षित जी कहते, देखो आपने बाकी तो ठीक सी विस्तार से बताया लेकिन मैं सुनना चाहता हूं, उसको 5 श्लोकों में खत्म कर दिया, ये क्या बात है। तो भगवान कहते ठीक है मैं फिर से बताऊंगा, और फिर 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के बारे में विस्तार से बताते हैं। जैसे हमने अष्टम स्कंद को सद्धर्म स्कंद बताया था, धर्म के अनुसार जीवन चलाने का, उसमें जो जीव है उसके प्रयत्न का महात्म्य है और भगवान के अनुग्रह का महात्म्य है। अब यह जो नौवां स्कंद है इसको कहते हैं ईशानुकथा स्कंद, और इस ईशानुकथा स्कंद में अनेक भक्त हो गए उनकी कथाएं हैं। उसी प्रकार से अनेक प्रकार के मन्वंतरों के जो स्वामी थे उनके जो भिन्न प्रजा थी उस प्रजा की कथा इस नौवें स्कंध में आती है। इसलिए अपने जीवन में आध्यात्मिक ग्रंथों में साधु संतों के चरित्र एक आवश्यक भाग रखना चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं कि एक ही बाबा जी को पकड़ लिया और कंठस्थ कर लिया, वो नहीं। जितने भी साधु संत हैं जहां जहां चले जाओ, जो जो आपको पुस्तकें मिलेगी उसको लेकर के रोज अपने जीवन में साधु संतों के चरित्र का पाठ करने से हमको ये आश्वासन मिलता है कि जिसके द्वारा अपर चल पड़े। एक ध्यान से सुनना बात, ये बात मैंने एक बच्चे से सुनी। उस बच्चे ने कहा, स्वामी जी आप बताते हो भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, वो ऐसा करते हैं, उसमें कौन सी खास बात है, भगवान तो करेंगे। तो उसका ये प्रश्न बहुत ठीक था, यदि भगवान ऐसी लीला नहीं करेंगे कौन करेंगे, उससे हमको क्या, हम थोड़ी भगवान है, तो हम भगवान के जैसा कैसा रहेंगे, इसीलिए हम गुंडागर्दी करते रहेंगे, बिल्कुल क्लियर। तो हमने उसको कहा भाई तू कहिए। फिर उस दिन के बाद हमने वैसे उदाहरण देना कम कर दिए और वो उदाहरण देते हैं जो या तो हमारे जीवन में घटे है या तो जीवन में है। तो जब हम देखते हैं कि एक रत्नाकर नाम का डाकू, हम वाल्मीकि महर्षि के बारे में कुछ दूसरा नहीं जानते होंगे, ये जरूर जानते हैं कि वो डाकू थे। मनुष्य का जो मन है ना, जहां कुछ कमी है वहां पहुंच जाता है। जैसे बच्चे जो है इनके जब दांत गिरते हैं, पहला जब दांत गिरता है तो जिह्वा जहां दांत नहीं है वहां चली जाती है, जहां है वहां नहीं जाएगी। इसी प्रकार से जहां कुछ कमी है वहां हमारा मन जाता है। तो साधु संतों के जीवन को देखो, उनके जीवन में ऐसी ऐसी बातें मिलती है और वो देखने के बाद पता लगता है कि यदि एक रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। इस प्रकार से साधु संतों के चरित्र से अपनी साधना करने में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, और यही है उनके चरित्र का, भक्त के चरित्र का महात्म्य। और यह जो बताने के लिए ये नौवां स्कंद है, ईशानुकथा इसका विषय है। तो वैसे देखा जाए तो जीव तो भगवान का ही अंश है, और यह जीव फिर किसी भी रूप में आ सकता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि। और यह विशेष बात भागवत में है कि भागवत में यमुना नदी भी भगवान की भक्त है, पेड़ पौधे भी भगवान के भक्त है, वहां की जो गायें हैं वो भी भगवान की भक्त है। इस प्रकार से भगवान का भक्त होने के लिए किसी भी प्रकार की विशेष अधिकारी की आवश्यकता नहीं। यदि आपको योगाभ्यास करना हो तो उसके लिए आपको विशेष प्रकार के देह की आवश्यकता है, नहीं तो हमारे जैसा आदमी एक बार समझो वो क्या कहते वो अटकने वाला आसन पद्मासन, वो पद्मासन एक बार लगा के बैठा लो और उसके बाद लॉक हो करोड़पति बन जाओ, कर दे लॉक, हो गया, करना क्या है, और उसके बाद फिर निकलता ही नहीं फिर वो।
तो ऐसे जो व्यक्ति है वो क्या योगाभ्यास करेंगे। उसी प्रकार से जिसके पास साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारित्व नहीं होगा, विवेक वैराग्य शम दम उपरति श्रद्धा दीक्षा समाधान मुमुक्षुत्व, जब तक ये साधन चतुष्टय संपन्नता नहीं होगी तब तक के किस प्रकार से हम वेदांत का श्रवण कर सकेंगे। कर्म के लिए तो ना बहुत आवश्यक है, लेकिन भक्ति ऐसा मार्ग है जिसके लिए सभी अधिकारी है, तो इसलिए इस मार्ग को लेकर के चलना बड़ा आसान है। इस 9वें स्कंद में 24 अध्याय है और उसमें 8-8 अध्यायों में भिन्न भिन्न विषयों का उन्होंने वर्णन किया है। जैसे 24 तत्व है प्रकृति के, तो प्रकृति के 24 तत्वों को लेकर के 24 प्रकार के विचारधाराएं बनती है, तो इन विचारधाराओं से अपने आप को बचाने के लिए कैसी साधना करनी चाहिए, कैसे कैसे साधु संतों के चरित्र है वो बताया है। उसी प्रकार से कोई भी जो हमारी प्रकृति है, स्वभाव है, वो हमको बंधन में नहीं डाल सकता यदि हम भगवान के भक्ति का आधार ले और हर एक के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होने के बाद जगत के बारे में वैराग्य अपने आप जागृत होता है। इसलिए अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो हमारा है उन संस्कारों को बदलने का प्रयत्न करना है। अभी हमारे संस्कार है जगत के बारे में, भोग के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में। अब हमको अपने संस्कारों को परमात्मा के बारे में बनाना है, तो जितने जितने हम सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथा नाम स्मरण इत्यादि करेंगे, तो हमारे जो संस्कार है वो बदलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वैराग्य के कारण जगत के प्रति जो भी थोड़ी बहुत आसक्ति तो हो जाती है। इन दो बातों का विशेष रूप से वर्णन इस 9वें स्कंद में किया है। तो दो बातें कौन सी हो गई, अपने जो जन्म जन्म के संस्कार है उनको बदलना आवश्यक है और उनको बदल सकते हैं भगवान के उपासना के द्वारा, और जो थोड़े बहुत संस्कार बचे रहेंगे उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं जब हमारे हृदय में जगत के प्रति वैराग्य होगा। भगवान के भक्ति का ही दुष्ट है जगत के प्रति वैराग्य, क्योंकि हमारा मन दो जगह थोड़ी जाएगा, जिसने भगवान को पकड़ लिया है फिर जगत में उसका आनंद नहीं रहता। तो वैवस्वत मनु के वंश में 10 पुत्र हुए थे और सभी के सभी बड़े बड़े राजाएं हुए। उसमें जो पहले 12 अध्याय है इस स्कंद के, उसमें सूर्यवंशी राजाओं के सब वर्णन किए हैं। सूर्य के आदित्य के 12 अवतार है, तो इसीलिए 12 अध्यायों में सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन है और चंद्रवंशी राजाओं के वर्णन भी 12 अध्याय के रूप में है। इस प्रकार से सूर्य और चंद्र इन दो वंशों में उत्पन्न राजाओं के भक्तों के वर्णन इस स्कंद में आ जाते हैं। और मनु के जितने भी पुत्र हुए उसमें किसी ने ज्ञान मार्ग को बढ़ावा दिया, किसी के जीवन में वैराग्य था, किसी के जीवन में भक्ति थी, किसी के जीवन में धर्म का अनुष्ठान था। इस प्रकार से मनु के सभी संतानों में कोई ना कोई वैलक्षण्यता थी। ये वैवस्वत जो मनु थे स्वयं मनु के बाद दूसरे मनु, वो पहले पहले जब पैदा हुए भगवान की कृपा से तो वो संतानहीन थे, शादी के बाद उनको कुछ हुआ नहीं था पुत्र, तो उन्होंने वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ करवाया और उसके बाद उनको एक पुत्री हो गई। पुत्री होने के बाद उन्होंने कहा मुझे तो पुत्र चाहिए था, तो फिर वही पुत्री फिर पुत्र हो गया, फिर उनके द्वारा कोई गलती हुई, फिर उनको शाप मिला, पुत्री हो गई। इस प्रकार से बड़ा विचित्र प्रसंग है, एक विशेष प्रसंग। इससे हमको ये सीखना है कि भगवान के दुनिया में भगवान की इच्छा से सब कुछ संभव है, ये बताने के लिए ये प्रसंग है। और ये अभी भी हम देखते हैं कि जगत में ऐसी ऐसी विचित्र बातें होती है जो हमारे बुद्धि के कक्षा में नहीं आती, क्योंकि हमको समझ में नहीं आती, इसका अर्थ ये नहीं वो गलत है, हमारे समझ की कमी है। उसके बाद जो मनु के अनेक बाकी जो पुत्र हुए उसमें एक थे राजा शर्याति और च्यवन ऋषि की कन्या, इन दोनों का वर्णन आता है। यह जो शर्याति की जो कन्या थी उसका नाम था सुकन्या, और ये एक बार शर्याति राजा के साथ जंगल में गए और वहां उन्होंने देखा एक जगह में
बहुत बड़ा वाल्मीकि बना हुआ है। वाल्मीकि माने जिसपे ये चीटियां रहती है, ऐसे मिट्टी ऊपर आकर के, उसको वाल्मीकि कहते हैं। बना हुआ है और दो छेदों में से बड़े तेज पुंज प्रकाश जैसा आ रहा था। तो ये सुकन्या बिल्कुल एक बालिका थी और चंचल थी, टीनेजर थी। तो उसने देखा क्या है और वहां एक काटा ले लिया और उसमें छेद में डाल के देखा तो दोनों उसके आंखें फूट गई। वहां च्यवन ऋषि थे और च्यवन ऋषि ने जब देखा कि उनकी आंखें टूट गई है, फोड़ दी गई है, तो राजा को बड़ा दुख हुआ और फिर उसी सुकन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। आप तुमने इनकी आंखें फोड़ी है तो जिंदगी भर इनकी सेवा करो। इसीलिए किसी का नुक्स करना चाहिए। और उसके बाद फिर अश्विनी कुमार का इत्यादि एक दो प्रसंग आते हैं और उसी मरुवंश में आगे जाकर के नाभाग नाम के राजा हुए और वो बड़े शास्त्र का अध्ययन करने में रुचि रखते थे। और इसीलिए जब वो शास्त्र के अध्ययन करने के लिए गए और आने में उनको काफी साल लगे तो उनके जो बाकी भाई थे उनके भाइयों ने उनके सब जायदाद हड़प ली। ये देखो उस समय से चलते आ रहा है, दो चीज हो तो उसमें से जो ज्यादा चालू टाइप के होते हैं वो दूसरों का सब हिस्सा ले लेते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। इसी प्रकार से नाभाग के भी जीवन में यही हुआ। तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे जगह यज्ञ होगा, वहां अमुक अमुक गलती होगी, तुम गलती बता दो और फिर वो ब्राह्मण तुमको सब वहां की जितनी दक्षिणा दान दे देंगे, उसमें तुम्हारा भला हो जाएगा। जब वो वहां गए ऐसा किया तो वहां रुद्र भगवान कहते ये तो मेरा भाग है, तुमको कैसा मिलेगा। फिर उनके पिता कहते हाँ ठीक, भाग तो रुद्र भगवान का है, तुम्हारा नहीं है। तो उसके बाद रुद्र भगवान खुश होकर के उनको सब दे देते हैं। तो ऐसे जो अत्यंत विरक्त राजा थे नाभाग, उनके पुत्र हुए अम्बरीश। अब ये अम्बरीश जी की कहानी बहुत ही महत्व की है हम सबके लिए। उनका हृदय हमेशा भगवान के भक्ति के लिए तड़पता था, भगवान के दर्शन के लिए तड़पता था। और एक बार उन्होंने ऐसा अपने मन में संकल्प किया, मैं एक साल तक के एकादशी का व्रत करूंगा। और वो एकादशी का व्रत उन्होंने किया। एकादशी के व्रत की सांगता पूरी होती है द्वादशी के दिन एक विशेष मुहूर्त पर थोड़ा खाना खा करके व्रत को तोड़ा जाता है। तो एक बार जब ऐसे हुआ और जब द्वादशी का दिन आया तो उस दिन दुर्वास ऋषि वहां पहुंच गए अपने शिष्यों के साथ और कहा कि राजा मैं आया हूं, मुझे भिक्षा चाहिए। तो बोले बहुत बढ़िया बात है, आज का अच्छा दिन है, आप आ गए। बोले ऐसे थोड़ी है, मैं जाकर के नहा धोकर के संध्या करके आऊंगा, जब तक कि वो आए तब तक कि इनके मुहूर्त का समापन हो रहा था। तो राजा ने पूछा अपने वहां के जो विद्वान ब्राह्मण थे कि अब मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में आ गया हूं। तो ब्राह्मणों ने बताया ऐसी कोई बात नहीं, इस समय आप भगवान के चरण तीर्थ को पी लो तो वो नाश्ता भी हो जाएगा कुछ खाने का, तुम्हारा व्रत भी सफल हो जाएगा और कुछ खाया भी नहीं क्योंकि तुमने अन्न खाया नहीं, से दोनों तरफ से तुम बच जाओगे। उनके कहने के अनुसार उन्होंने थोड़ा भगवान का चरण तीर्थ ले लिया, पी लिया और उसी समय दुर्वासा महाराज आ गए और उनको भयानक गुस्सा आ गया और उन्होंने वही कृत्या निर्माण करी जो अम्बरीश पर छोड़ी थी। तो उसी समय भगवान के चक्र ने उस कृत्या को नाश कर दिया, मार दिया और फिर अम्बरीश जी को तो बचा लिया, दुर्वासा के पीछे लग गई। और फिर दुर्वासा ऋषि जाते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा को मदद नहीं करता हूं, फिर पहुंच जाते हैं शिवजी के पास, शिवजी कहते मैं झंझट में नहीं पड़ता हूं, फिर पहुंच जाते हैं विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रियः। देखो हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं तो अपने भक्तों को अपने आप को बेच चुका हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, यदि मेरे किसी भक्त का अपमान किया है, कष्ट किए हैं, तो जाकर उन्हीं से माफी मांगो, तब जाकर के तुम्हारा भला होगा। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए उनके पास भेज दिया। तो जब हमारे दुर्वास ऋषि पहुंचते हैं अम्बरीश राजा के पास, उनके पास आकर के उनके हाथ पैर पकड़ते हैं, उनको फिर उठाया जाता है कि भगवान आप ऐसा मत करिए, आप तो संत है, हम तो एक गृहस्थ है। और फिर वो उस सुदर्शन चक्र का आयुध है ना, वो सब चैतन्य है। ये मत समझ लेना कि जैसे मेरे पास जो पेपर वेट है
तो जैसे ये बिल्कुल निर्जीव है, उसी प्रकार से भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक टॉय ई चक्र ऐसा कुछ नहीं है। वह सब चैतन्यमय है, भगवान के आभूषण चैतन्यमय होते हैं, भगवान के वस्त्र जो है चैतन्यमय है, और सभी चीजें भगवान की चैतन्य, इसीलिए वो सभी के सभी केवल आज्ञा का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार से दुर्वासा जी के उपदेश प्राप्त होने के पश्चात यहाँ एक महत्व की बात हमको समझ लेना है। ये हम प्रसंग पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि दुर्वास ऋषि जैसे ऋषि भगवान के भक्त होते हुए भी उनमें ये बातें क्यों आती है, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, द्रौपदी को शाप दिया, सबको शाप दिया, इनका क्या शॉपिंग सेंटर है क्या, सबको शाप ही शाप दे रहे हैं, क्या बात है। तो इसको ठीक समझ लेना। देखो, अपने भक्तों का महात्म्य बढ़ाने के लिए ये सब चीजें साधु संत महात्मा करते हैं। क्या उनको मालूम नहीं कितने बड़े हैं, लेकिन उनको ये बताना था जगत के सामने कि भगवान के भक्त जो है भगवान से भी बढ़कर के होते हैं। इसीलिए समझो हमारे द्वारा भगवान का अनादर हुआ। कैसा भगवान का अनादर होता है, आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो हम भगवान के अस्तित्व का ही तिरस्कार करते हैं, तो ये तो भगवान का अनादर हुआ। उससे हमारा कुछ नुकसान नहीं करेंगे भगवान, लेकिन यदि भगवान के जो भक्त है उनका यदि हमने अनादर किया, उनको हमने यदि अच्छे बोले, तो उसको फिर भगवान कभी माफ नहीं करते। और इसीलिए अपने जीवन में यदि हम किसी का आदर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, किसी का अनादर कभी भी मजाक में भी अपने से ना होवे, ये बहुत आवश्यक बात है। तो यदि देखो दुर्वासा जी गुस्से में वो कृत्या निर्माण नहीं करते और फिर वो सुदर्शन चक्र वहां नहीं आता, फिर ये दौड़ भाग करके फिर अम्बरीश जी के पैर नहीं छूते, तो भक्ति की और भक्त की महिमा कभी एस्टैब्लिश हो सकती क्या नहीं। और इसीलिए इस भक्त के महिमा को और इस एकादशी व्रत को एस्टैब्लिश करने के लिए दुर्वास ऋषि ने ये सब बुराई अपने आप पर खींच ली है। हम तो उनको बुरा कह देते हैं, लेकिन उनके पीछे इस बड़े संत की यही भावना थी, इसीलिए उनके हृदय में अम्बरीश के प्रति, भगवान के प्रति बड़ा प्रेम था, इसलिए सब बातें हुई। उसके बाद अनेक राजाओं के चरित्र आते हैं। इक्ष्वाकु वंश के मांधाता सौभरी ऋषि, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, उसके बाद सगर का चरित्र आता है। सबका चरित्र हम नहीं सुनाएंगे आपको, सगर महाराज का चरित्र आता है कि उन्होंने उनके पुत्र थे, उनके पुत्रों ने उनका जो अश्वमेघ का यज्ञ इंद्र ने चुरा के छुपा दिया था, उसको ढूंढने के लिए पूरे पृथ्वी को खोदा। खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा बंधा हुआ है, तो उन्होंने कपिल महाराज को वहां फिर गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ा चोर है और चुपके से घोड़ा लेके आया है और बड़ा भगवान की ध्यान की बात कर रहा है। ऐसी जब उन्होंने बात करी तो कपिल मुनि तो भगवान के अवतार ही थे, उन्होंने केवल देखा मात्र उन सगर पुत्रों की तरफ, तो सभी के सभी भस्म हो गए। उसके पश्चात सगर के पुत्र थे एक, उनका नाम था असमंजस, और उनके जो दूसरे पुत्र थे असमंजस के पुत्र, उनका नाम अंशुमान, और ये अंशुमान जी ने जाकर के कपिल देव जी के पास उनको प्रसन्न किया और घोड़े को ले आए। उसके बाद उन्होंने कहा कपिल मुनि ने कि देखो तुम्हारी जो चाचा यहां मरे पड़े हुए, भस्म हो पड़े हुए, उनका भला हो सकता है केवल गंगा जल से, इसीलिए कुछ भी करो यहां गंगा जी को ले आओ। उसके पश्चात उन्होंने अपने चाचाओं का उद्धार करने के लिए फिर गंगा जी को लाने का प्रयत्न किया धरती पर, तो उसमें पहले अंशुमान ने प्रयत्न किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद उनके जो पुत्र थे दिलीप, उसने प्रयत्न किया, वो भी सफल नहीं हुआ। फिर तीसरी पीढ़ी में जाकर के भगीरथ महाराज ने प्रयत्न किया और फिर वो गंगा जी को जो आकाशवाहिनी भगवान के चरण धोने के बाद जो निकली है, ऐसी गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। इसका तात्पर्य हमको ये समझना है कि कोई कार्य हम यदि इस समय पूरा नहीं कर सकते हैं तो उसको ऐसा मत समझना कि हम असफल हो गए। ये कार्य हमको एक जन्म में नहीं, एक दो तीन चार जन्म में पूरा करना है,
एक बात पक्की समझ लो, हम जब अपनी साधना करते हैं तो अपना जो लक्ष्य है केवल इस देह के पात तक ना रखे, इसको तो मरना ही कोई नहीं बचा सकता, तो अपनी साधना करती जाए। और यदि साधना अपूर्ण हो गई और देह का पतन हो गया तो कोई बात नहीं, हम लोग हिंदू पहन लो गधे का वहां, नहीं मुझे तो मच्छर का ड्रेस अच्छा रहता, वो दूसरे को में रखा वहां जाकर के। इसीलिए हमको मरने नहीं डरना है, अपनी साधना जारी तो हम अपने जीवन को पूरा कर लेंगे प्रभु से मिल करके। इस प्रकार से यह जो गंगा जी की कहानी आती है, वैसे हमने आपको बताया प्रत्येक चीज में तीन बातें होती है, आध्यात्मिक, आधी दैविक, आधी भौतिक। तो जो गंगा जी में जाकर के हम नहाते हैं वह है आधी भौतिक गंगा जी, और आधी दैविक गंगा जी वो है कि जिन्होंने जाकर जो कहती है कि जब तक साधु संत आकर के मेरे पानी में नहाएंगे नहीं तब तक के मैं पवित्र नहीं होती, वो हो गई आधी दैवी गंगा जी जो शिव जी के सर पर आई और वहां से निकली इत्यादि। और आध्यात्मिक गंगा जी है हमारे हृदय में, जहां जो भक्ति की और ज्ञान की जो धारा है उस भक्ति ज्ञान के धारा को आध्यात्मिक गंगा जी कहते हैं, और इस गंगा जी में डुबकी लगा तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तमाम प्रकार से। इसी भगीरथ जी के वंश में सुदास नाम के एक राजा हुए, और इसी सुदास जी के वशिष्ठ जी के द्वारा वंश परिवर्तन हुआ, क्योंकि यही दशरथ राजा उत्पन्न हुए, और पहले रघु, फिर अज, फिर दशरथ राजा, और फिर दशरथ जी के पुत्र के रूप में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, इन चार पुत्रों का जन्म हुआ। अब यहां अगले तीन अध्याय में भगवान के राम जी के रूप में जो अवतार है उसका वर्णन आता है। अब रामायण तो आप सबको पता है, और हम केवल इतना ही देखेंगे कि इस भागवत में कितना हम उसको भगवान के राम के चरित्र का सौंदर्य भागवत में ये है कि भागवत में स्पष्ट रूप से बताया कि कौशल्या जी और दशरथ जी, इन दोनों के माध्यम से भगवान रामचंद्र जी ने अवतरण किया है। जैसे देवकी और वसुदेव, देवकी है वो हमारी सूक्ष्म बुद्धि, और वसुदेव है शुद्ध अंतकरण। इन दोनों में ही जब दोनों का मिलाप हो जाता है तब भगवान की अभिव्यक्ति होती है। उसी प्रकार से कौशल्या दशरथ जी, इन दोनों के माध्यम से, तो दशरथ जी है शुद्ध मन और कौशल्या जी है तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि, उनके माध्यम से भगवान का आविर्भाव है। और उसके पश्चात इसमें जो रामायण में आता है ताड़का का वध कर दिया भगवान ने, वो यहां ताड़का का वध का वर्णन तो नहीं है, लेकिन सुबाहु और जो मारीच है उसको जो मारा फेंका था उसके बारे में विस्तार से वर्णन है। और बचपना जो भगवान का था, रामचंद्र जी का जो बाल समय, वो बहुत कम बताया है। उसमें मुख्य रूप से यही बातें बताई है कि भगवान रामचंद्र जी बचपन में अपने सभी भाइयों को साथ में लेकर के खेलते थे, बड़ों के जब खेलते थे तो स्वयं हार करके अपने भाइयों को जिताते थे ताकि वो खुश रहे। इस प्रकार से सबको साथ लेकर के चलने का उनका स्वभाव बचपन से ही था, और उनके जीवन में प्रतिज्ञा पालन इत्यादि को बहुत ज्यादा महत्व दिया करता था, और उन्होंने अपने जीवन में दूसरे के लिए सभी प्रकार के दुख सहने को कभी आगे पीछे नहीं देखा। उसमें एक जगह आता है कि भगवान लोगों की उपासना करने के लिए राज्य कर रहे थे, माने जिसके द्वारा, जिसे भगवान की उपासना करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार से अपनी जितनी प्रजा है उनकी उपासना के लिए वो राज्य कर रहे थे ताकि हमारी जितनी प्रजा है वो सुखी रहे। इसमें एक जगह प्रसंग आता है जब ये दंडकारण्य में भगवान घूम रहे थे सीता जी के साथ, तो सीता जी ने कहा कि ये धनुष वगैरह रख दो कहीं, खामोखाम लोगों को लगेगा कि हम क्षत्रिय है, हम तो यहाँ वनवास करने के लिए आए। तो भगवान कहते कि नहीं, मैं यहाँ दुष्टों का संहार करने के लिए और साधुओं के रक्षण करने के लिए आया हूँ, और यही मेरी प्रतिज्ञा है, और फिर चाहे जो हो जाए मैं ऐसा ही रहूंगा। फिर भगवान शबरी जी के आश्रम में जाते हैं, उनका भला करके उनको
वो दर्शन देते हैं। देखो शबरी जी का जो चरित्र है वो हम सबके लिए समझने जैसा है। शबरी एक अत्यंत अनपढ़ व्यक्ति थी, उनके गुरु ने उनको मंत्र दे दिया राम नाम का। अब जहां भगवान के नाम की बात होती है वहां उसके बाल की खाल नहीं खींचनी चाहिए, क्योंकि जो भक्ति का क्षेत्र है क्षेत्र में भावना के द्वारा अपने आप का समर्पण होना ये उसकी क्रिया है। और यदि अपने बुद्धि को लगाना है बिल्कुल क्या, तो ये भगवान के नामों के चक्कर में ना पड़े। फिर हम आपको बता दें उपनिषद के ग्रंथों का अध्ययन करो और वहां देखो कैसे ब्रह्म आत्मा एक है, किस प्रकार से एकमेवा द्वितीय नेह नाना से किंचन, वहां अपने बुद्धि को लगाओ। तो दो क्षेत्र है आध्यात्मिक जीवन में, एक है उपासना का क्षेत्र और दूसरा है विचार का क्षेत्र। उपासना के क्षेत्र में विचारों को प्रवेश निषेध है, और जो हम विचार का क्षेत्र है वहां सारा विचार करना चाहिए, अन्यथा अपने हृदय की सब श्रद्धा नष्ट हो जाती है। इसीलिए कई जगहों में ये होता है, हर चीज को बुद्धि के द्वारा नापते हैं। जैसे हमारे गणेश महाराज, अब गणेश जी को देखने के बाद ही इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि और आगे करना क्या है। हाँ हम तो ज्ञानी हैं, अब करें क्या, रोग तो वही हमारा। तो हम क्या कहेंगे कि उनका जो बड़ा पेट है इसलिए कि सभी के नहीं पछताता बड़ा हो जाता है। उसके बाद कहेंगे उनके जो बड़े बड़े कान इसलिए है कि वो सबकी सुन लेते हैं इसलिए उनके कान बड़े हैं। फिर उनके दो में से एक दांत इसलिए टूट गया है क्योंकि वो अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करते हैं। ये केवल अपने बुद्धि की कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान की उपासना जब हम करते हैं तो केवल हृदय में भक्ति और समर्पण, इन दोनों के सिवा किसी प्रकार के विचारों को मत ले आओ, अन्यथा वहां विचारों को लाएंगे और अपने आप का सत्यानाश कर देंगे। तो यहां यह जो भगवान रामचंद्र का चरित्र है उसमें जब शबरी प्रसंग आता है तो वो रोज उनके गुरु ने बताया कि तुम इसकी फिक्र मत करो, इसका अर्थ क्या है तुम्हारे सामने प्रकट होगा, तुम अपनी उपासना करो। तो रात दिन एक ही उनके मन में लगन रही थी कि आज राम मेरे घर जरूर आएंगे। और जब अपने घर में कोई आने वाला होता है तो हम अपने घर को सजा के रखते हैं, ऐसे नहीं वो आने वाले अच्छा झाड़ू लगा देना वहां रखा है, नहीं। कोई अपने घर में आने वाला है तो हम अपने घर को साफ सफाई बना के रखते हैं, को कष्ट ना हो प्रसन्नता रहे। इसी प्रकार से देखो इस चीज को आप अपने जीवन में उतारो, ये कल्पना नहीं है वास्तविकता है। घर को ऐसा बनाओ कि कोई भी व्यक्ति यदि उसमें प्रवेश करे तो मन प्रसन्न होना चाहिए। हम एक बार एक दो जगहों की बात बताते हैं, बंबई की बात है। थर्ड या फोर्थ फ्लोर पर उनका मकान था, घर था फ्लैट। तो जब हम उनके घर में गए पहली बार गए, और वो भी कोई भगत विगत नहीं थे हमारे, कुछ हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग का काम था उसके लिए उनके घर गए। जैसे उनके घर में गए इतना अच्छा लगा कि वहां एक भी चीज नहीं थी। घर में दो तीन बच्चे भी थे, और जो दीवारों का रंग है कारपेट का रंग है हर जगह में जो जो चीज रखी हुई है इतनी सुंदर, तो जैसे अंदर में जाता है आदमी मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ ऐसे लगता है कि कोई अच्छे घर में आए। तो यदि हमारे हृदय में भगवान के लिए भक्ति होगी तो हम अपने घर को अपने हृदय को अपने आसपास की जितनी जगह है उसको हमेशा साफ सुथरा रखें, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए। और भगवान जरूर आते हैं, जो कहते हैं ना क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इसका यही तात्पर्य है। तो शबरी जी के इस आश्रम में भगवान जब गए कहा कि मुझे मालूम है कि तुम कितने दिन से मेरी प्रतीक्षा कर रही हो, और उनको जब बात करी भगवान ने तो शबरी जी कहती है कि मुझे तो कुछ आता नहीं कि कैसे पूजा करना, मैं तो अनपढ़ हूं, तो मुझे कुछ उपदेश करिए। तो भगवान शबरी जी को नवविधा भक्ति का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि इसमें से एक भी भक्ति
किसी के हृदय में आ जाए तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और हे शबरी माता, तुम्हारे हृदय में कार की भक्ति पूर्ण रूप से है। इसलिए इस बहाने उन्होंने शबरी जी की तारीफ भी करी और यह नवविधा भक्ति का उपदेश भी किया। उसके बाद आगे जाकर के वनवास में सुग्रीव से मित्रता हो जाती है, समुद्र पर सेतु बंधन, और इस प्रकार से फिर लंका पर चढ़ाई और सीता जी को वापस ले आना, राज्याभिषेक होना और उनका जो राम राज्य है और बहुत बढ़िया चल रहा था। और वो इतने त्यागी थे, भागवत में स्पष्ट वर्णन आता है कि वो सभी बैठे तो उनको लोगों ने कहा कि भगवान ये राज्य तो हम नहीं चला सकेंगे, राज्य आप ही चलाओ, हम तो भगवान का नाम संकीर्तन और पूजा पोथी पाठ में ही लगे रहते हैं। और अपनी प्रजा सुखी है कि नहीं, उनके मन की क्या स्थिति है, ये देखने के लिए भगवान एक बार रात के समय ऐसे ही घूमने निकले। तो उस समय उस धोबी ने कुछ अच्छी बुरी बात करी तो उसके बाद भगवान ने निर्णय ले लिया कि यदि मेरे प्रजा में एक भी व्यक्ति के मन में संदेह है मेरे को लेकर के, तो मैंने उसको निराकरण करना जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया। अब देखो, सीता जी के प्रति भगवान के मन में यदि बुरी भावना रहती तो उनको मार मूर करके भगवान उनको क्यों वापस ले आते। और कई लोगों के मन में यही शंका आती है कि भगवान रामचंद्र ने बाली को छुपके से मारा, सीता जी को वनवास में त्याग कर दिया, ऐसा क्यों किया। अब देखो, आपको किया है क्या? नहीं। जिसको किया है उसको पूछो। वाली को भगवान ने ऐसा मारने के कारण कोई कंप्लेन नहीं थी, सीता जी को कि भगवान राम ने मुझे छोड़ दिया है और हम लोग सिनेमा देखने वाले, ना तो हम में वाली की सुंदरता है ना तो सीता का पवित्र है और हम केवल पुस्तक लिख। इसीलिए जिस पर अन्याय होता है उसको पूछो अन्याय हुआ कि नहीं। ये तो ऐसा ही है कि एक माँ ने एक बच्चे को चाटा मारा और हम देखो कितनी क्रूर है माँ, उस बच्चे को पूछो वो क्या आपको क्या करना है, आप हाथ लगा के दिखाओ फिर लगाऊंगा। एक जगह पूना की बात है, एक एनआरआई के लोग आए और उन्होंने सोचा कि अपने देश में एक वृद्धाश्रम खोला जाए। वृद्धाश्रम हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला क्योंकि यहां के जो लड़के देखभाल करते हैं, तो उन्होंने सोचा खोल दिया जाए। खूब बढ़िया 40 कमरे का वृद्धाश्रम पूना के नजदीक खोल दिया है और फिर एडवर्टाइजमेंट दी, 3,000 रुपए पर मंथ, सभी कंफर्ट्स मिलेंगे, एक भी आदमी नहीं। फिर इनका प्रोजेक्ट फेल, तो दूसरे जो एनआरआई है बोले ठीक है हम स्पॉन्सर करते हैं, फिर वो लोग आएंगे। फिर उन्होंने 10 स्पॉन्सर करने का निर्णय ले लिया, पब्लिश किया, फिर भी फ्री में भी जाने को कोई तैयार नहीं। फिर तीसरा प्रयत्न, एक अम्मा थी उसी के घर में चेयर पर ऐसे बांध करके रखते थे बूढ़ी अम्मा, तो लोगों ने कहा चलो इसको जरा पटाएंगे। तो बूढ़ी अम्मा के बांध के देखा, लड़का तुम्हारी बहू कितने आपको कष्ट दे रहे हैं, चलो हम आपको वहां ले जाते, वहां आपको आराम से रखे को कोई कष्ट नहीं। उसने कहा तुमको किसने कहा मुझे कष्ट है। उसने कहा कि मेरे बहू मेरे लड़का मुझे बांध दे रखता है इसलिए कि मेरा अपने पर कंट्रोल नहीं है, मैं जानती हूं फिर भी कंट्रोल नहीं, क्या करो, तो मैं कहीं कहीं जाती हूं, कहीं कुछ ले लिया हाथ से गिर जाता है टूट जाता है, कभी किचन में गया कुछ हाथ में पकड़ा वो गिर जाता है, कभी मैं टीवी के पास जाता हूं मैंने एक टीवी ऑलरेडी, तो वो बेचारे करेंगे क्या, दिन भर तो घर में नहीं बैठ सकते, इसीलिए सब दे करके मुझे बांध के रखते हैं और चले जाते हैं, उसमें उनका क्या दोष है। देखो हम जो बाहर से देखने वाले होते उन्हीं को लगता है कि हम किसी पर अत्याचार कर रहे हैं इत्यादि। तो इस प्रकार से भगवान के चरित्र में सबका भला, और इसमें कभी भी सीता जी के मन में एक बार भी ऐसी बात नहीं आई, ना तो उन्होंने भगवान के प्रति कोई अपशब्द किए। उसके बाद यहां भागवत में भगवान रामचंद्र 30 पीढ़ियों के हजारों नाम आते, कौन सा राजा था क्या था कहां रहता था, और उसी में एक निमि राजा का चरित्र आता है कि वंश में जाकर के आगे चंद्रवंश बना और इसी चंद्रवंश में फिर अत्रि जी से चंद्रमा की निर्मिति हुई और इसी चंद्रवंश में विश्वामित्र परशुराम जी सहस्त्र अर्जुन इत्यादि की कथा आती है। और यह जो चंद्रवंश में
एक बार पुरुरवा का उपाक कहनाता है। इसमें पुरुरवा में बताते हैं पुरुरवा नाम के बड़े राजा हो गए चंद्रवंश में, और उनको इंद्रलोक में जाने का मौका मिला। बड़े प्रभावशाली थे, भगवान के भक्त थे। गए तो देवराज इंद्र ने पुरुरवा राजा को सभी देवताओं के साथ इंट्रोडक्शन कर दिया, और उन्होंने सबको नमस्कार चमत्कार शिखंड किया। लेकिन जब अर्थ के देवता और काम के देवता, इन दो देवताओं का जब इंट्रोडक्शन कर दिया, तो पुरुरवा ने कहा कि ठीक है, हम अर्थ काम को नहीं चाहते, उनका तिरस्कार किया। जब इन दो देवताओं का तिरस्कार किया तो उनको शाप मिला, तुमको सब कुछ मिलेगा लेकिन तुम अपने जीवन में अर्थ को भी नहीं भोग पाओगे और काम को भी नहीं भोग पाओगे, यह सुख तुमको कभी नहीं मिलेगा। ये अपने जीवन में यदि हम लोग गृहस्थ है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का संतुलन होना आवश्यक है, नहीं तो गलत स्पिरिचुअलिटी कैसी होती है, मैं आपको उदाहरण बताते। एक जवान लड़का लड़की है, शादी हो गई उनकी, और उनके दिमाग में ये जब ऐसे होता है ना कि जब हम हाई फाई टाइप के स्पिरिचुअलिटी में फंस जाते हैं कि हमको मेडिटेशन करना है बस, बाकी कुछ नहीं, ओनली मेडिटेशन, उससे कुछ नहीं होता। जो हमारे शास्त्रों के सिद्धांत है उसके अनुसार जीवन को चलाना है। दूसरे से देख देख कर उन्होंने शादी विधि कर ली, और शादी के बाद और दोनों के दिमाग में ये घुसा है कि अब हम दोनों मिलकर के मेडिटेशन करेंगे और अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करेंगे, और फिर घर का कुछ काम नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं देखेंगे और अपना सांसारिक जीवन जिएंगे। ऐसे से भगवान की साधना नहीं होती। हर एक उम्र में जो जो हमको बताया है शास्त्रों ने, उसी के अनुसार जीवन को चलाना है। तो यह जो धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी का है, और काम उसका भी महात्म्य अपनी जगह पर है। जिसके जीवन में ये समझ में नहीं आती वो व्यक्ति बाद में गलतियां करके बैठता है। तो इसी वर्ग में उर्वशी से परिचय हुआ, और वहां उर्वशी की विशेषता ये थी कि वो सुंदर तो बहुत थी, प्रेम तो बहुत करती थी, लेकिन बड़ी कड़वी शब्द वाली थी, बहुत ही कड़वे शब्द बोलती थी। और उसका मूल कारण ये था कि पुरुरवा के हृदय में वैराग्य का निर्माण हुए, और फिर आगे जाकर के जमदग्नि परशुराम जी विश्वामित्र जी इनकी कथा आते आते हम ययाति के चरित्र में आते हैं। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा, इन दोनों से विवाह किया और दोनों से पुत्र हुए, और इनमें जो देवयानी की पुत्र थे उसमें यदु ही हुए ज्येष्ठ पुत्र, और जो शर्मिष्ठा की कन्या बच्चे थे उसमें पुरु हुए कनिष्ठ पुत्र, और आगे जाकर के इस यदुवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। और यह ययाति का जो चरित्र है बड़ा विचित्र है, इसमें भोग और वैराग्य दोनों की पराकाष्ठा थी। ये भोग में इतने लिप्त हो गए कि उन्होंने अपने छोटे बच्चे पुरु को कहा कि मुझे अभी भोग कामना मेरी पूरी नहीं हुई, तो तुम्हारा जो यौवन है मुझे दे दो, और उन्होंने अपना बुढ़ापा अपने बच्चे को दे दिया और उससे यौवन ले लिया, और इस प्रकार से अनेक सालों तक वो भोग करते रहे। और फिर उनको समझ में आया कि भोग करके कभी भी हमारे अंतकरण से कामनाओं को हम जीत नहीं सकते। यहां ध्यान की बात सुनना, जब हमारे मन में कामना होती है तो हम अस्वस्थ रहते हैं, वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ अवर सेल्फ। कामना या जो काम है ये हमारे स्वभाव में नहीं है, ये बाहर से आई हुई चीज है। जैसे समझो मेरे यहां कंधे पर, जैसे माताएं अपने कंधे पर होल्डर लटकाते हैं, कहते हैं पर्स होता है होल्डर, होल्डर माने जो सबको होल्ड कहता है उसको, सब कुछ होता है उसको। इतना जब कंधे पर लटकाते हैं, उन्हीं के कंधे पर उनका सर होता है, दोनों चीजें उसी कंधे पर, पर्स होती है सर होता है। जब कहीं से घूम घाम करके आते हैं तो क्या ऐसा कहते हैं, आह मैं बहुत थक गई हूं। अपने सर को उठा के नहीं रखते, कारण क्या कि वो हमारा स्वभाव है कंधे के ऊपर में सर होना, जैसे मौका मिला तुरंत अपने पर्स को उठाते हैं रख देते, क्यों कि वो स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार से यदि कामना का हृदय में होना स्वभाव होता तो हम कामना को निकालने का प्रयत्न नहीं करते,
तो कामना को निकालने का हमको एक ही रास्ता मालूम है, कौन सा? कामना को पूरा करो। लेकिन ये भूल जाते हैं, एक कामना को पूरा करो तो दूसरी वहां निकल आती है, दूसरे कामना को पूरा करो तो तीसरी वहां निकल आती है। इस प्रकार से कामनाओं को पूरा करके इतने का जो प्रयत्न है वो गलत है, ये बताने के लिए ययाति का चरित्र है। आप कितने भी भोग करो जीवन में, भोग करके भोगों से वैराग्य निर्माण नहीं होता। भोगों से वैराग्य निर्माण होता है जब विचार के द्वारा ये समझो कि बचपन में हम कैसे छोटी छोटी वस्तु में फंसे रहते थे, वो वस्तु जब नहीं मिलती थी तो कितने दुखी होते थे, अब हम बड़े हो गए, अब उन वस्तु को देख करके मन में किसी प्रकार की राग द्वेष की निर्मिति नहीं होती, क्यों? हमने समझ लिया है। उसी प्रकार से यह जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इसके तत्व को समझ लो तो उसके बाद हम कामनाओं को जीत सकते हैं, अन्यथा जिंदगी भर अपनी कामनाओं को पूरा करने में ही लगे रहेंगे। उसके पश्चात इसी ययाति के वंश में आगे जाकर के रंती देव की एक बड़ी विचित्र कथा आती है। रंती देव का एक जो चरित्र आता है वहां बताते हैं कि यह जो रंती देव थे, एक बार उनको 48 दिन तक अन्न भी नहीं मिला, और इसी प्रकार से इतने दिन होने के बाद जब एक बार उनको थोड़ा अन्न और जल मिला तो उसी से उसको खा ही रहे थे, उतने में अतिथि आ गए तो उन्होंने अतिथि को दे दिया। इस प्रकार से उनके पास कुछ भी नहीं रहा, और उसके बाद भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुमसे सब कुछ मैंने छीना था, तुमको देखने के लिए, तुम असली भगवान के भक्त हो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो यह जो रंती देव के विचार है, बड़े विकल्प कल्पना भी नहीं कर सकते। वे कहते हैं, न कामये अहम गतिम ईश्वर युक्ताम अपुनर्भवम वा, हे भगवान, हम ना तो अष्ट सिद्धि चाहते है, ना तो स्वर्ग चाहते है, ना तो मुक्ति चाहते है, फिर क्या चाहते हैं? मुझे सभी के हृदयों में वास दे दो। भगवान कहते कि मैं वहां नहीं हूं, आप तो वहां है लेकिन आप लोगों के दुख हरण नहीं करते, वहां लोगों के हृदय में दुख है और आप दूर से देखते रहते, अच्छा ये उसके हृदय में दुख आया है, दुख के साथ तादाद में करेंगे कितने महा दुखी हो जाएंगे, इसीलिए सबके हृदय में रहते हैं लेकिन दुखों के द्वारा उनको कुछ नहीं होता। तो रंती देव कहते हैं, भगवान आप सबके हृदय में तो रहते हो लेकिन उनके दुख निवारण नहीं करते हो, तो फिर तुम क्या करोगे? सभी के सभी जो दुख है मैं ले लूंगा अपने पर, ताकि ये जगत में सभी प्राणी सुखी रहे। देखो कितनी अच्छी कल्पना है। इसी को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक बार एक बच्चे को बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था, स्वामी जी ये श्लोक हम लोग रोज बोलते आए, मेरे दिमाग में प्रश्न ऐसा आया कि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्, ये ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। कभी सभी सुखी नहीं रहे, कभी सभी निरोगी नहीं रहे, किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, हर एक को दुख ही मिलता है, तो ऐसी प्रार्थना करके क्या मिला? खामोखाम की रोज की वही प्रार्थना, कुछ नहीं। ये तो ऐसा ही है कि माँ बच्चे को बताती है, बेटा जल्दी उठा करो सुबह, अच्छा माँ, और फिर लेट उठता है। तो उसी प्रकार की आपकी प्रार्थना है, ऐसे प्रार्थना का क्या मतलब है? देखो कितना सुंदर विचार है। तो हमने इसको कहा, देखो जब हमारे हृदय में सबका भला हो ऐसी भावना जागृत होती है, उसके द्वारा अपना हृदय का निर्माण होता है। जो हमको आध्यात्म करनी है उसके द्वारा अपने हृदय का निर्माण करना है। जिस हृदय में सबके भलाई की इच्छा होती है वो व्यक्ति अपने आप परमात्मा के प्राप्ति के लिए लायक बन जाता है, और जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका साम्राज्य रहेगा, उस हृदय में परमात्मा का अवतरण कभी नहीं होता। इसीलिए यह जो रंती देव की कहानी है वो हमको यही शिक्षा देती है कि यदि हम दूसरों को दुख को लेकर के उनके दुख को समझे तो हमारे द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं दिया जाएगा। और इसी रंती देव जी के वंश में आगे जाकर के जामघ नाम के राजा हुए, और वो अपने पत्नी से बड़े डरते थे।
एक बार वो एक लड़की को राज किसी कन्या को ले आए तो पत्नी ने बहुत डांटा, इसको क्यों ले आए मैं होते हुए। बोले मैं अपने लिए थोड़ी लाए हूं, मैं तो अपने लड़के के लिए लाए हूं। वो लड़का कहां है, लड़के के लिए लाए हो। बोले हो जाएगा, ऐसी क्या बात। तो उनकी ये पत्नी भक्ति देख करके उनको भगवान ने जाकर के पुत्र दिया और फिर उनके साथ उस कन्या का विवाह हो गया। इस प्रकार से अनेक कथा होने के बाद फिर आते हैं भगवान कृष्ण के वंश का प्रारंभ। यदुवंश मथुरा नगरी के पास एक शूरसेन नाम के राजा हुए और वहीं से कौरव पांडव इनके वंश का आगे चलन हुआ। उसमें अनेक हजारों नाम दिए हैं और शूरसेन के वंश में आगे चल करके वसुदेव जी हुए, उनके पत्नी का नाम था देवकी जी। और इनके जो पहले 7 पुत्र थे उनको मारा गया और 8वां पुत्र भगवान कृष्ण के रूप में उनका जन्म हुआ और उन्होंने जन्म से ही इस पृथ्वी को धरा को धन्य बना दिया। और इनमें ज्ञान प्रेम सौंदर्य वैराग्य माधुर्य जितना था सभी का सभी भगवान कृष्ण में था और ऐसे भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए। ऐसा कह करके सुखदेव जी महाराज ने 9वां स्कंद पूरा कर दिया। अब देखो इससे बढ़िया ये जो आजकल चलती है ना सीरियल्स, एक एपिसोड जब बंद करते हैं तो कैसे स्थान पर ले आते हैं कि उसके बाद वो उसके मन में डाउट आ गया और वो हाथ में चक्कू लेकर के दौड़ भाग करके अपने पत्नी के कमरे में पहुंचा और चक्कू लेकर के उसने उसके गले के पास ले गया। अगला अगले एपिसोड में देखिए, आदमी तब तक के चक्कू पकड़ के रखता है और अगला एपिसोड आपको देखना ही पड़ता है। ये टेक्निक यहां से ली है। देखो 9 स्कंद पूरे हो गए और यहां तक आने के बाद भगवान कृष्ण का जो चरित्र है 5 श्लोकों में उन्होंने समाप्त कर दिया और उसके बाद सब कोई भला हो गया। अब इतने दिन से परिषद जो बैठे हुए थे भगवान कृष्ण की लीला सुनने के लिए, उनके गुणगान सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन वही जो बात है वो 5 श्लोकों में खत्म कर दी। लो तो इसीलिए 10वें श्लोक का जब प्रारंभ होता है तब उस समय परीक्षित जी महाराज बड़े खिसिया गए और कहते हैं भगवान आपने तो सभी वंशों के सभी राजाओं का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है और यदुवंश का भी बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन जब भगवान कृष्ण का चरित्र आया तो उसको आपने 5 ही श्लोकों में पूरा कर दिया, इससे हमको मजा नहीं आया, इसीलिए आप हमको विस्तार से भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में सुनाइए। क्योंकि भगवान की ये जो लीला है, भगवान का ये जो गुण है, ये जितना हम रस लेकर के इसका श्रवण करेंगे अपने हृदय में उतारेंगे उतना हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। और भगवान के गुणों में, उनकी लीला में, उनके जन्म में हर जगह हमको सीखने को भी मिलता है। यदि हम ज्ञानी हो तो, और यदि हम भक्त हो तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। ज्ञान के द्वारा भी अपने स्वरूप की पहचान होती है और भक्ति के द्वारा जब हमारा हृदय द्रवित हो जाता है तो उस द्रवित हृदय से जितने भी अनेक जन्म के जो संस्कार है वो निकल जाते हैं और जहां हमारे अंतकरण के अनेक जन्म के संस्कार निकल गए वही परमात्मा का दर्शन अनुभव उसी समय हो जाता है। इसलिए ये हमको बताइए कि जो हमारे पितामह थे अर्जुन जी, युधिष्ठिर जी इत्यादि, वो जब सेना के साथ लड़ रहे थे और उस सेना में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे बड़े बड़े वीर थे और ये सभी के सभी वीरों के सामने पांडवों ने जो युद्ध किया, उस समय भगवान कृष्ण उनके रथ को चला रहे थे अर्जुन जी के, तो ऐसे भगवान कृष्ण का जो चरित्र है उसको मैं बहुत प्यार से और विस्तार से सुनना चाहता हूं। और मुझे याद है कि जब अश्वत्थामा जी का ब्रह्मास्त्र आकर के मुझे मारने के लिए मेरी मां के पेट में घुसा तो चारों तरफ से उस अस्त्र के कारण मैं बहुत अस्वस्थ था,
और उस समय भगवान ने वहां प्रवेश करके एक हाथ में चक्र एक हाथ में गदा और वही गदा को इतनी जोर से घुमा घुमा करके चारों तरफ से उस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचा दिया है। ऐसे प्रभु का चरित्र हम 5 श्लोकों में कैसा समझ ले। इसीलिए आप हमको भगवान के इस चरित्र को विस्तार से बताइए। तो जब ऐसी बात कही तो सुखदेव जी महाराज बड़े खुश हो गए और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। ये 10वें स्कंद के 1वें अध्याय में ही आती है। कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रुम तत्पाद सलिलम यथा। वासुदेव कथा और प्रश्न, भगवान के बारे में प्रश्न और भगवान की कथा के बारे में, 3 प्रकार के लोगों का उद्धार करती है। यहां जो स्त्रीन लिखा है इसका तात्पर्य स्त्री नहीं, वो संधि के अनुसार वैसा शब्द बनता है, पुरुषान त्रीन पुरुषान स्त्रीन बनता है। तो 3 प्रकार के लोगों का उद्धार होता है। कौन कौन? एक तो वक्तारम, जो भगवान के कथा का नाम स्मरण इत्यादि करता है स्वयं, वो बोलने वाला। पृच्छकम, जिसने ये प्रश्न को पूछा है वो। और तीसरा श्रोत्रुम, जो इसको सुन रहा है। इसके द्वारा इनका भला होता है। जैसे तत्पाद सलिलम यथा, जिस प्रकार से गंगा जी में नहाने के कारण हमारा भौतिक देह भी साफ हो जाता है, हमारा आध्यात्मिक देह भी साफ हो जाता है और हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान की जो कथा है, इसके द्वारा जिसके मन में भगवान को लेकर के कोई प्रश्न है, वो प्रश्न यदि आया तो वहां का जो प्रतिबंध था वो खुल जाता है। फिर जिसको भगवान के बारे में बोलने का भगवान ने आदेश दिया है, वो यदि बोलना शुरू कर दे तो अपने आप वो दूसरा प्रतिबंध निकल गया। और दुनिया की बातें सुनने के स्थान पर यदि भगवान की कथा इत्यादि सुनने में आनंद आ जाए तो अपने आप अपना हृदय साफ हो जाता है। क्यों? कि भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं हमारे कानों के माध्यम से। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उन्होंने फिर पहला जितना भूमिका इत्यादि बांधनी थी वो सब खत्म कर दी और डायरेक्टली शुरू कर दी कथा। कहते पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि वहां पृथ्वी पर बहुत अत्याचार दुख इत्यादि चल रहे थे। और जो पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, इसको ठीक से समझ लेना, हमने 10 बार रिपीट किया है। चाहे पृथ्वी रहे, चाहे नदी रहे, चाहे पहाड़ रहे, सबके 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक। तो जो पृथ्वी ब्रह्मा जी को लेकर के शिव जी को लेकर के विष्णु भगवान के पास जाती है, तो ये प्रश्न मत मन में लाना, यदि पृथ्वी विष्णु भगवान के पास गई तो ये हम सभी लोग वहां गए क्या पृथ्वी पर रहने वाले? ऐसे नहीं होता। जो आधि दैविक पृथ्वी है, जो पृथ्वी की देवता है, वो वहां गई। और वहां जाने के बाद जाते समय उन्होंने ब्रह्मा जी को और शिव जी को साथ में ले लिया और जाकर के ब्रह्मा जी ने इत्यादि पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की स्तुति करी और उनके हृदय आकाश में भगवान नारायण प्रकट हुए और उनको बताया, ब्रह्मा जी आपको क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं क्या, पृथ्वी तो मेरी ही पत्नी है। भगवान नारायण की 2 पत्नियां हैं, एक है लक्ष्मी और दूसरी है भूदेवी। तो जो लक्ष्मी है ये चल संपत्ति है, ये चंचल है, और भूदेवी जो है ये स्थिर संपत्ति है। तो ये दोनों भगवान की है। इसीलिए जगत में जमीन का मालिक केवल भगवान ही है। हम सोचते हैं कि ये प्लॉट जो है 3/2 मेरा है, किसी का कुछ नहीं, सब भगवान का है। आज तक कितने राजा आकर के चले गए, कोई किसी का बचता नहीं, हमारी कल्पना मात्र रहती है कि हमारा है हमारा है। और भगवान ने कहा कि मुझे सब मालूम है, यहां आकर के मेरे पत्नी के बारे में मत बताओ। आप लोग क्या डेप्यूटेशन लेकर के आए क्या कि मेरी पत्नी दुखी है करके? मुझे समझ में नहीं आता। देखो कितनी महत्व की बात है, किसी पति के पास मोहल्ले वाले चले जाए, बताए कि देखो आपकी पत्नी को भूख लगी,
तो भगवान ने कहा मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे मत बताओ क्या करना है, तुम जाकर के कुछ काम करो, हर जगह मुझे काम में लगाते हो। ये भगवान की बात मुझे एकदम पसंद है। हम जहां भी जाते हैं ना तो लोग इतने फल रख देते और ये अपेक्षा करते हम सबको बांटे, मैंने काम हम करें, हम नहीं काम करेंगे, आप बांटो। पहले मैं करता था, अब मैं स्मार्ट हो गया हूं, अब नहीं करता। नारायण, तो यह पृथ्वी का दुख जो है वो यही है। जब इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के हृदय से धर्म के प्रति जो आस्था है, धर्म के प्रति जो आदर है, वो जब निकल जाता है, तब भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार करते हैं। यहां आने के पहले एक मुझे ईमेल आया था, उसका उत्तर मैंने दिया और उत्तर उस ईमेल में लिखा था, जिस समय एक बड़ी लिस्ट उसने बना दी, जिस समय ये वीरप्पन और राजकुमार, जिस समय लालू प्रसाद और रबड़ी, जिस समय नरसिम्हा राव और जो जो जितने करप्ट लोग हैं उनकी बड़ी लिस्ट बनाई, ये सब लोग जब होते हैं तब हम धर्म का पालन कैसा करें बताओ। और आप कहते हैं धर्म का पालन करो। तो हमने उनको यही उत्तर दिया कि ऐसी स्थिति कब नहीं थी। हिरण्यकश्यपु था, आज की जितने भी करप्ट लोग हैं वो हिरण्यकश्यपु के सामने टिक नहीं सकते। उसके बाद रावण था, रावण के सामने पूरे हिंदुस्तान के जगत के सभी करप्ट लोगों को इकट्ठा करो, उनके सामने स्टैंड नहीं कर सकेंगे वो। तो ये सब दुर्योधन था, तो उसी प्रकार से ये लोग आज है। तो क्या उस समय लोगों ने अपने आध्यात्मिक साधना नहीं करी है? करी है। हमारे मन में जब शास्त्रों के सिद्धांत इसके प्रति संशय निर्माण होने लग जाता है, उसी को कहते हैं धर्म की ग्लानी। हमारे शास्त्रों में जो बात बताई है वो सत्य है और उसी को लेकर के चलो। ये कौन कल चल सकेगा जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग है, विधेयात्मक विचारधारा। हमेशा ऐसे निगेटिव निगेटिव सोचते रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता, हमने बहुत बार भगवान का नाम लिया कुछ नहीं हुआ। किसको कुछ नहीं हुआ, भगवान को क्या आपको? तो ऐसा जब पृथ्वी के लोगों पर मन के उनके मन में धर्म के प्रति ग्लानि आ जाती है, तब जाकर के पृथ्वी का भार बढ़ जाता है और उसका निवारण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और ये होने के पश्चात भगवान ने कहा कि बाकी देवताओं को आप चले जाओ गोकुल में और अनेक गोबालक के रूप में वहां अवतार लेना, और फिर हम वहां आएंगे वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में। और इस समय संकर्षण जो है हमारे बड़े भाई के रूप में आएंगे, क्योंकि हमने राम अवतार में उनको काफी परेशान किया था, इसलिए इस समय वो हमको परेशान करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद की कथा कल होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।